गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, हाउ आर यू? कैसे हो आप सब? आई होप यू आर हेल्दी। मैं आशा करती हूँ कि आप स्वस्थ होंगे। नाउ लेट अस फोकस ऑन आवर स्टडी। आइए अब हम अपनी पढ़ाई पर ध्यान देते हैं। नाउ वी रीड लेसन नंबर 14, सेफ्टी रूल्स। सेफ्टी मीन्स होता है सुरक्षा, रूल्स मीन्स नियम, सुरक्षा नियम। वी ऑल मस्ट फॉलो सेफ्टी रूल्स टू प्रोटेक्ट। प्रोटेक्ट मीन्स होता है रक्षा करना। आवर लीव्स एंड लीव्स ऑफ अदर फ्रॉम डैमेज एंड रिस्क। रिस्क मीन्स होता है जोखिम। हम सभी को नुकसान और जोखिम से अपने जीवन और अन्य की सुरक्षा के लिए सुरक्षा नियमों का पालन करना चाहिए। लेट्स रीड अबाउट सम ऑफ दीज सेफ्टी रूल्स। आइए कुछ सुरक्षा नियमों के बारे में पढ़ते हैं। फर्स्ट है सेफ्टी एट होम। होम मीन्स होता है घर, घर पर सुरक्षा। डू नॉट रन, रन मीन्स भागना। ऑन द स्टेयर केसेस एंड रूफ्स, सीढ़ियों और छतों पर ना दौड़े। डू नॉट प्ले विद शार्प ऑब्जेक्ट्स लाइक ब्लेड्स एंड नाइव्स, ब्लेड व चाकू जैसी तेज वस्तुओं से ना खेले। डू नॉट प्ले विद द गैस स्टोव, गैस स्टोव के साथ मत खेलो। डू नॉट टच इलेक्ट्रिक वायर्स एंड स्विचेस, बिजली के तारों और स्विच को ना छुएं। डू नॉट टेक एनी मेडिसिन, मेडिसिन मतलब होता है दवाइयाँ, विदाउट आस्किंग यूअर पेरेंट्स, पेरेंट्स मीन्स माता पिता, अपने माता पिता से पूछे बिना कोई दवाई ना लें। अगेन रीड सेफ्टी रूल, सुरक्षा नियम। वी ऑल मस्ट फॉलो सेफ्टी रूल टू प्रोटेक्ट आवर लीव्स एंड द लीव्स ऑफ अदर फ्रॉम डैमेज एंड रिस्क। हम सभी को नुकसान और जोखिम से अपने जीवन और अन्य की सुरक्षा के लिए सुरक्षा नियमों का पालन करना चाहिए। लेट्स रीड अबाउट सम ऑफ दीज सेफ्टी रूल्स। आइए कुछ सुरक्षा नियमों के बारे में पढ़ते हैं। सेफ्टी एट होम, घर पर सुरक्षा। डू नॉट रन ऑन द स्टेयर केसेस एंड रूफ्स, सीढ़ियों और छतों पर ना दौड़े। डू नॉट प्ले विद शार्प ऑब्जेक्ट्स लाइक ब्लेड्स एंड नाइव्स, ब्लेड व चाकू जैसी तेज वस्तुओं से ना खेलें। डू नॉट प्ले विद द गैस स्टोव, गैस स्टोव के साथ मत खेलो। डू नॉट टच इलेक्ट्रिक वायर्स एंड स्विचेस, बिजली के तारों और स्विच को ना छुएं। डू नॉट टेक एनी मेडिसिन विदाउट आस्किंग यूअर पेरेंट्स, अपने माता पिता से पूछे बिना कोई दवाई ना लें। नेक्स्ट है सेफ्टी एट प्लेग्राउंड, खेल के मैदान में सुरक्षा। नेवर प्ले, प्ले मीन्स होता है खेलना, इन डार्क, डार्क मीन्स अंधेरा, प्लेसेस जगह, कभी भी अंधेरे स्थानों में ना खेलें या अंधेरी जगहों पर मत खेलें। नेवर प्ले इन पार्क्स और प्लेग्राउंड्स विच आर लोनली, लोनली मीन्स होता है अकेले, कभी भी अंधेरे स्थानों में ना खेलें। पार्क और खेल के मैदान में कभी भी ना खेलें जहां आप अकेले हों, जहां आप अकेले होते हैं वहां पर आपको पार्क या फिर खुले स्थान पर अकेले नहीं खेलना चाहिए। डू नॉट प्ले ऑन द रोड, सड़क पर मत खेलो। डू नॉट फ्लाई काइट ऑन द रूफ, छत पर पतंग ना उड़ाएं। डू नॉट हिट एनीवन विद बॉल और बैट, गेंद या बल्ले से किसी को मत मारो। डू नॉट गो नियर बुशेस वेल्स एंड पोथोल्स, झाड़ियों कुओं और गड्ढों के पास ना जाएं। डू नॉट फाइट विथ ईच अदर वाइल प्लेइंग, खेलते समय आपस में लड़े नहीं या किसी से आपस में लड़ाई नहीं करनी चाहिए। अगेन रीड सेफ्टी एट प्लेग्राउंड, खेल के मैदान में सुरक्षा। नेवर प्ले इन डार्क प्लेसेस, कभी भी अंधेरे स्थानों में ना खेलें। नेवर प्ले इन पार्क्स और प्लेग्राउंड्स विच आर लोनली, कभी भी अंधेरे स्थानों में ना खेलें। पार्क और खेल के मैदान में
कभी भी ना खेलें जब आप अकेले हों। डू नॉट प्ले ऑन द रोड, सड़क पर मत खेलें। डू नॉट फ्लाई काइट ऑन द रूफ, छत पर पतंग ना उड़ाएं। डू नॉट हिट एनीवन विद बॉल और बैट, गेंद या बल्ले से किसी को मत मारो। डू नॉट गो नियर बुशेस वेल्स एंड पोथोल्स, झाड़ियों कुओं और गड्ढों के पास ना जाएं। डू नॉट फाइट विद ईच अदर वाइल प्लेइंग, खेलते समय आपस में लड़े नहीं। नेक्स्ट है सेफ्टी ऑन रोड, सड़क पर सुरक्षा। वी शुड ऑलवेज, ऑलवेज मीन्स होता है हमेशा, वॉक मीन्स चलना, ऑन द फुटपाथ, हमें हमेशा फुटपाथ पर चलना चाहिए। वी शुड क्रॉस द रोड एट द ज़ेब्रा क्रॉसिंग ओनली, हमें ज़ेब्रा क्रॉसिंग पर ही सड़क पार करनी चाहिए। इफ देयर इज नो ट्रैफिक लाइट यू शुड लुक टूवर्ड्स बोथ टू योर लेफ्ट एंड राइट बिफोर क्रॉसिंग द रोड, यदि ट्रैफिक लाइट नहीं है तो आपको सड़क पार करने से पहले दाईं ओर और बाईं ओर देखना चाहिए। नेवर रन अक्रॉस द रोड, रोड को क्रॉस करते समय कभी भी भागना नहीं चाहिए। अगेन रीड, सेफ्टी ऑन रोड, सड़क पर सुरक्षा। वी शुड ऑलवेज वॉक ऑन द फुटपाथ, हमें हमेशा फुटपाथ पर चलना चाहिए। वी शुड क्रॉस द रोड एट द ज़ेब्रा क्रॉसिंग ओनली, हमें ज़ेब्रा क्रॉसिंग पर ही सड़क पार करनी चाहिए। इफ देयर इज नो ट्रैफिक लाइट यू शुड लुक टूवर्ड्स बोथ टू योर लेफ्ट एंड राइट बिफोर क्रॉसिंग द रोड, यदि ट्रैफिक लाइट नहीं है तो आपको सड़क पार करने से पहले बाएं और दाएं दोनों ओर देखना चाहिए। नेवर रन अक्रॉस द रोड, भागकर कभी भी रोड को पार ना करें। नेक्स्ट है सेफ्टी इन अ व्हीकल, एक वाहन में सुरक्षा। ऑलवेज स्टैंड इन अ क्यू एट द बस स्टैंड, हमें बस स्टैंड पर कतार में खड़े रहना चाहिए या लाइन में खड़े रहना चाहिए। डू नॉट ट्रैवल स्टैंडिंग ऑन द फुटबोर्ड, फुटबोर्ड पर खड़े होकर यात्रा ना करें। डू नॉट गेट इन और आउट ऑफ ए मूविंग बस, चलती बस में उतरो वे मत चढ़ो। डू नॉट पुट योर हैंड्स और हेड आउट ऑफ द विंडो, अपने हाथ या सिर को खिड़की से बाहर ना निकालें या ना रखें। ऑलवेज फॉलो द ट्रैफिक लाइट्स, हमेशा ट्रैफिक लाइट्स का पालन करें। रेड लाइट मीन्स स्टॉप, लाल बत्ती का मतलब है रुकना। येलो लाइट मीन्स वेट, पीली बत्ती का मतलब है इंतजार करना। ग्रीन लाइट मीन्स गो, हरी बत्ती का मतलब है जाना। अगेन रीड, सेफ्टी इन अ व्हीकल, एक वाहन में सुरक्षा। ऑलवेज स्टैंड इन अ क्यू एट द बस स्टैंड, हमें बस स्टैंड पर कतार में खड़े रहना चाहिए या लाइन में खड़े रहना चाहिए। डू नॉट ट्रैवल स्टैंडिंग ऑन द फुटबोर्ड, फुटबोर्ड पर खड़े होकर यात्रा ना करें। डू नॉट गेट इन और आउट ऑफ ए मूविंग बस, चलती बस में उतरना व चढ़ना नहीं चाहिए। डू नॉट पुट योर हैंड्स और हेड आउट ऑफ द विंडो, अपने हाथ या सिर को खिड़की से बाहर ना रखें। ऑलवेज फॉलो द ट्रैफिक लाइट्स, हमेशा ट्रैफिक लाइन का पालन करें। रेड लाइट मीन्स स्टॉप, लाल बत्ती का मतलब है रुकना। येलो लाइट मीन्स वेट, पीली बत्ती का मतलब है इंतजार करना। ग्रीन लाइट मीन्स गो, हरी बत्ती का मतलब है जाना। एक नेक्स्ट है सेफ्टी इन स्कूल, स्कूल में सुरक्षा। डू नॉट पुश और पुल ईच अदर, एक दूसरे को धक्का या खींचे नहीं जब आप स्कूल में हो। डू नॉट पुश और पुल ईच अदर, एक दूसरे को धक्का या खींचे नहीं, ना उसको धक्का दे और ना ही उसको खींचे। डू नॉट रश अप और डाउन द स्टेयर्स,
सीढ़ियों से ऊपर या नीचे ना जाएं, बार बार सीढ़ियों से ऊपर या नीचे ना हो क्योंकि आप गिर सकते हो। डू नॉट गो नियर द स्विमिंग पूल अलोन, अकेले स्विमिंग पूल के पास ना जाएं। डू नॉट लीव द स्कूल अलोन और विद स्ट्रेंजर्स, अकेले स्कूल या अजनबियों के साथ स्कूल ना छोड़े। अकेले कभी भी स्कूल को किसी भी अजनबी के साथ ना छोड़े, मतलब कि स्कूल से बाहर जब जा रहे हो तो किसी भी अजनबी के साथ स्कूल से बाहर ना जाएं। अगेन रीड, सेफ्टी इन स्कूल, स्कूल में सुरक्षा। डू नॉट पुश और पुल ईच अदर, एक दूसरे को धक्का ना दें या खींचे नहीं। डू नॉट रश और डाउन द स्टेयर्स, सीढ़ियों से ऊपर या नीचे ना जाएं। डू नॉट गो नियर द स्विमिंग पूल अलोन, अकेले स्विमिंग पूल के पास ना जाएं। डू नॉट लीव द स्कूल अलोन और विद स्ट्रेंजर्स, अकेले या अजनबियों के साथ स्कूल से बाहर ना जाएं या स्कूल को ना छोड़ें। टिक द करेक्ट ऑप्शन, जो ऑप्शन ठीक है उस पर टिक का निशान लगाना है। फर्स्ट है वी शुड क्रॉस द रोड एट, हमें सड़क को पार करना चाहिए, तो किससे पार करना चाहिए, जेब्रा क्रॉसिंग से, तो जेब्रा क्रॉसिंग पर टिक का निशान। नंबर टू है द रेड लाइट सेज़ टू, लाल बत्ती कहती है गो चलो, स्टॉप रुक जाओ, वेट इंतज़ार करो, तो लाल बत्ती क्या कहती है, स्टॉप रुक जाओ। वी शुड नॉट प्ले विद, हमें साथ नहीं खेलना चाहिए, किसके साथ नहीं खेलना चाहिए, नाइफ्स चक्कू के साथ, टॉयज़ खिलौनों के साथ, गेम्स के साथ, किसके साथ नहीं खेलना चाहिए, नाइफ्स चक्कू के साथ नहीं खेलना चाहिए। अगेन दीट, टिक द करेक्ट ऑप्शन। फर्स्ट है वी शुड क्रॉस द रोड एट, हमें सड़क को पार करना चाहिए, किससे पार करना चाहिए, जेब्रा क्रॉसिंग से, तो जेब्रा क्रॉसिंग पर टिक का निशान। नंबर टू है द रेड लाइट सेज टू, लाल बत्ती कहती है गो चलो, स्टॉप रुक जाओ या वेट इंतज़ार करो, लाल बत्ती क्या कहती है, स्टॉप रुक जाओ, तो इसलिए स्टॉप पर टिक का निशान। वी शुड नॉट प्ले विद, हमें साथ नहीं खेलना चाहिए, किसके साथ नहीं खेलना चाहिए, नाइफ चक्कू के साथ, चाकू के साथ, टॉयस खिलौनों के साथ, गेम्स खेल के खेल या गेम्स के साथ नहीं खेलना चाहिए, किसके साथ नहीं खेलना चाहिए, नाइफ चाकू के साथ नहीं खेलना चाहिए, तो इसलिए नाइफ्स पर टिक का निशान। फिल इन द ब्लैंक्स विद द वर्ड्स गिवन बिलो, जो वर्ड्स हमारे पास गिवन है उसको फिल इन द ब्लैंक्स में फिल करना है। यू शुड नॉट गो अलोन विद डैश, आपको डैश के साथ अकेले नहीं जाना चाहिए, तो क्या आएगा, स्ट्रेंजर्स अजनबियों के साथ, strangers स्ट्रेंजर्स, आपको अजनबियों के साथ अकेले नहीं जाना चाहिए। नंबर टू है यू शुड नॉट प्ले ऑन द, आपको पर नहीं खेलना चाहिए, किस पर नहीं खेलना चाहिए, रोड सड़क पर, ROAD रोड, आपको सड़क पर नहीं खेलना चाहिए। नंबर थ्री है यू शुड नेवर ट्रेवल स्टैंडिंग ऑन द, आपको कभी भी पर खड़े होकर यात्रा नहीं करनी चाहिए, किस पर खड़े होकर यात्रा नहीं करनी चाहिए, फुटबोर्ड FOOTBORD फुटबोर्ड, आपको कभी भी फुटबोर्ड पर खड़े होकर यात्रा नहीं करनी चाहिए। नेक्स्ट है ऑलवेज फॉलो द डैश रूल्स, हमें नियमों का पालन, हमेशा नियमों का पालन करें, कौन से नियमों का पालन करें, ट्रैफिक रूल्स का, हमेशा ट्रैफिक नियमों का पालन करें, TRAFFIC हमेशा ट्रैफिक नियमों का पालन करें। अगेन रीड यू शुड नॉट गो अलोन विद, आपको के साथ अकेले नहीं जाना चाहिए, किसके साथ नहीं जाना चाहिए, स्ट्रेंजर्स STRANGERS स्ट्रेंजर्स, आपको अजनबियों के साथ अकेले नहीं जाना चाहिए। नंबर टू है यू शुड नॉट प्ले ऑन द, आपको पर नहीं खेलना चाहिए, किस पर नहीं खेलना चाहिए, रोड सड़क पर, ROAD रोड, आपको सड़क पर नहीं खेलना चाहिए। नंबर थ्री है यू शुड नेवर ट्रेवल स्टैंडिंग ऑन द,
आपको कभी भी पर खड़े होकर यात्रा नहीं करनी चाहिए, तो क्या आएगा? फुटबोर्ड, FOOTBOARD। आपको कभी भी फुटबोर्ड पर खड़े होकर यात्रा नहीं करनी चाहिए। नंबर 4 है ऑलवेज फॉलो द डैश रूल्स, हमेशा नियमों का पालन करें। तो कौन से नियमों का पालन करें? ट्रैफिक, TRAFFIC, हमेशा ट्रैफिक नियमों का पालन करें। नेक्स्ट है टिक द ट्रू एंड क्रॉस द फॉल्स स्टेटमेंट। फॉल्स और ट्रू लिखना है इसमें। वी शुड प्ले विद ब्लेड्स एंड नाइव्स, हमें ब्लेड और चाकू के साथ खेलना चाहिए। वी शुड प्ले विद ब्लेड्स एंड नाइव्स, हमें ब्लेड और चाकू के साथ खेलना चाहिए, तो क्या है? क्रॉस, हमें ब्लेड और चाकू के साथ नहीं खेलना चाहिए। वी शुड नॉट फॉलो सेफ्टी रूल्स, हमें सुरक्षा नियमों का पालन नहीं करना चाहिए, तो क्या आएगा? फॉल्स। वी शुड टेक मेडिसिंस विदाउट आस्किंग आवर पेरेंट्स, हमें अपने माता पिता से पूछे बिना दवाइयां लेनी चाहिए, तो क्या आएगा? क्रॉस। वी शुड नॉट गो नियर द स्विमिंग पूल अलोन, हमें अकेले स्विमिंग पूल के पास नहीं जाना चाहिए, तो क्या आएगा? ट्रू। अगेन रीड टिक द ट्रू एंड फॉल्स स्टेटमेंट। नंबर 1, वी शुड प्ले विद ब्लेड्स एंड नाइव्स, आप हमें ब्लेड और चाकू के साथ खेलना चाहिए, तो क्या आएगा? फॉल्स। वी शुड नॉट फॉलो सेफ्टी रूल्स, हमें सुरक्षा नियमों का पालन नहीं करना चाहिए, तो क्या आएगा? फॉल्स। वी शुड टेक मेडिसिंस विदाउट आस्किंग आवर पेरेंट्स, हमें अपने माता पिता से पूछे बिना दवाई लेनी चाहिए, तो क्या आएगा? फॉल्स। वी शुड नॉट गो नियर द स्विमिंग पूल अलोन, हमें अकेले स्विमिंग पूल के पास नहीं जाना चाहिए, तो क्या आएगा? ट्रू। डियर स्टूडेंट, आज हमने लेसन नंबर 14 रीड किया है। आपको भी इस लेसन को अगेन रीड करना है और इस लेसन की BX को अपनी बुक में फिल करना है और क्वेश्चन आंसर को भी आपको लर्न एंड राइट करना है। जो भी आपको काम कराया जाता है आपको वो साथ के साथ साफ साफ सुंदर सुंदर राइटिंग में अपनी नोटबुक में करना है। थैंक यू स्टूडेंट, हैव अ नाइस डे।